हिसार में कोरोना के दो पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जनता टीवी संवाददाता प्रदीप दुहन ने सीएमओ के साथ खास बातचीत की, देखिए। पिछले तीन दिन में हिसार के कोरोना के दो पॉजिटिव केस देखने को सामने आए हैं, जिसमें से एक मामला है वो आदमपुर के पास स्थित एक गांव का है और जो युवक है वो गाजियाबाद से लौटा था कुछ दिन पहले ही और उसमें अभी कोरोना के इस तरह के कोई सिम्टम देखने को नहीं मिले थे, परंतु जिस तरह से उनका सैंपल लिया गया है और बाद में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और दूसरा मामला वहीं हिसार की डीसी कॉलोनी का है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो इसमें हमारे साथ हिसार के सीएमओ हैं। सर बताइए कि जिस तरह के दो मामले सामने आए हैं, जैसे डीसी कॉलोनी की बात की जाए तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं देखने को मिली और अगर आदमपुर के जिस गांव के युवक की बात की जाए तो उनमें ज़्यादा सिम्टम नहीं है, तो क्या कारण मानते हैं, जैसे लोगों को जागरूक करते हैं कि सिम्टम अगर दिखाई दें तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, तो ऐसे में क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जो द्रौली गाँव का युवक जो पॉजिटिव आया है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है और वो गाज़ियाबाद से आया था और एक समझदारी की बात उसकी मैं मानता हूँ कि उसने ज़रूर वो कहीं ना कहीं ऐसी कांटेक्ट में आया होगा वहाँ पे और थोड़ा उसका गला भी बिल्कुल ख़राब था, तो वो डायरेक्टली यहाँ पहुँच के वो हमारे पास फ्लू क्लिनिक में आया है, जो कि अच्छी बात है कि उसने स्वयं आके अपना जाँच करवाई है और उस जाँच में वो जो कि पॉजिटिव आया है तो इमिजिएटली हम उसको आइसोलेट भी कर सके हैं और उसके सभी फैमिली मेम्बर्स को सभी को क्वारंटाइन किया, टेस्ट करवाया, सब नेगेटिव आए हैं। इसी तरह जो दूसरा केस है वो उसमें कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, तो हालांकि सिम्टम्स उसमें पेशेंट में भी ज़्यादा नहीं है, बट दोनों केसेस में कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कि जैसे ट्रैवल हिस्ट्री होना, जहाँ ट्रैवल हिस्ट्री के कारण आपका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर हो जाता है कि जो कि कोरोना के जो है पॉजिटिव हो या कोरोना का कैरियर हो। तो सर क्या ऐसे पहले भी देखने हमारे कई केसों में कि ना तो ट्रैवल हिस्ट्री हो ना ही कोई सिम्टम है वो देखने को मिले और तो भी उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। हर केस को जब हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं तो कहीं उसका कॉन्टैक्ट रहा होता है किसी ऐसे पेशेंट के साथ या कोई ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री के कारण भी वही है कि जो हॉटस्पॉट्स है वहाँ पर उसकी कहीं विजिट्स होती है। लेकिन ये देखने में ज़रूर आ रहा है कि जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, हल्की फुल्की गले में खराश है या हल्की फुल्की खांसी है, कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है और फिर भी वो पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए लोगों को और भी थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है। कहीं भी उनको शक लगता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट में आए हैं जो बाहर से आया हो, और जहाँ थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत हो तो इमीडिएटली आके हमारे जो फ्लू क्लिनिक है उसमें चेकअप कराएं और हमारे डॉक्टर्स उसको जांच करके उनकी पूरी हिस्ट्री लेके ये तय करेंगे कि उनको आगे टेस्ट करवाने की आवश्यकता है कि नहीं। तो ये थे हमारे साथ हिसार के सीएमओ और इनका यही कहना है कि यदि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचना है तो निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करके रखना होगा और जब भी बाहर निकले तो चेहरे पर मास्क लगाकर वो घर से बाहर निकलना है। हिसार से जनता टीवी के लिए कैमरामैन सुभाष के साथ प्रदीप दोहन, जनता टीवी हिसार।